ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है 24 अक्टूबर को मदर टेरेसा अवार्ड फंक्शंस है। ये सोशल सर्विस एक्टिविस्ट जिन्होंने अच्छा सोशल सर्विस वर्क्स किए हैं उनके लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है रे ऑफ होप के थ्रू। और अपना ब्यूटी पेजेंट भी उस दिन पे मिस रे ऑफ होप 2021 रखा है जो रे ऑफ होप के थ्रू होने वाला है। और इनका जो विनर को है सेकेंड लीड हमारा जो मूवी लॉन्च हो रहा है द बॉन्ड उसमें सेकेंड लीड रोल दिया जाएगा। ये प्रोग्राम होने वाला है होटल एवियन में वो जो है पार्ला ईस्ट में। और ये एक प्लेटफॉर्म होगा जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जो विनर रहेगा उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि लॉन्च किया जाएगा मूवी में। तो जैसे जो संपर्क करना हो तो किससे संपर्क करें, कैसे वो पार्टिसिपेट हो जाए? ये पार्टिसिपेशन का ऑलरेडी सब जगह सोशल मीडिया में ऑलरेडी एड्स चालू है। शैलेश जी जो इंचार्ज है उनका नंबर उसके ऊपर दिया हुआ है तो उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और विशाल वाघमारे जो है उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके राइट में और लेफ्ट में जो मैम और सर बैठे हैं कौन कौन? ये विशाल वाघमारे जी है जो हमारा बोर्ड मेंबर है रे ऑफ होप के। और ये मैम जो है ये भी रे ऑफ होप से जुड़ा हुआ है और इनका अभी लॉन्च होने वाला है द बॉन्ड में। द बॉन्ड और ग्रीड दोनों मूवीज हैं। द ग्रीड जो है मेरे बेटे को लॉन्च किया हुआ है उस मूवी में और द बॉन्ड जो है वो तीन लड़कियों का मूवी है। आपने अभी कहा था किसी के आपके जो विनर होंगे उसका फिल्म लेंगे तो यही फिल्म होगी? यस, ये द बॉन्ड जो है उसमें विनर को सेकेंड लीड रोल दिया जाएगा। इस संस्था में मैं कम से कम 10 साल से ज़्यादा वो हो चुके हैं मुझे। नाउ आई एम अ बोर्ड मेंबर ऑफ दिस संस्था। सो हम लोग 24 अक्टूबर को मिस रे ऑफ होप 2021 लॉन्च कर रहे हैं और उसके अलावा हम मदर टेरेसा का अवार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम दो मूवी ला रहे हैं जिसका नाम है द बॉन्ड और दूसरी मूवी है द ग्रेट। जो हम मिस रे ऑफ होप 2021 का जो मूवी जो अवार्ड्स है उसमें से जो भी विनर होंगे जो सेकंड लीड के लिए हम लोग द बॉन्ड मूवी के लिए हम उन्हें नॉमिनेशन में देने वाले हैं। तो इससे और हमारा और एक इवेंट होने वाला है जो नवंबर में है जो डांस दिल से है जो लास्ट हम 4 ईयर्स से कर रहे हैं। दिस विल बी द सीजन 5। ये सब आपके कहीं मतलब किससे जुड़े हो क्या? मैं रे ऑफ होप संस्था से जुड़ी हूँ और मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये संस्था बहुत टाइम से अच्छा काम करती आ रही है। लॉकडाउन पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अभी ये लोग मुझे लॉन्च भी कर रहे हैं और अवार्ड भी दे रहे हैं तो मुझे इनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप फिल्म भी कर रही है द बॉन्ड? हाँ, ये द बॉन्ड में मेरे को लीड रोल इन्होंने दिया है और देखती हूँ अभी जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पर आए, शूट स्टार्ट हो और थिएटर में आए और हिट हो हमारी पिक्चर। सर, ये एक्चुअली बॉन्डिंग के ऊपर फिल्म है, तीन लड़कियों का बॉन्डिंग के ऊपर फिल्म है। नहीं, ये टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आफ्टर ये जो इवेंट होगा आपके उसके बाद कब तक क्या प्लान चल रहा है फ्लोर पे जाओगे? ये फरवरी 2022 में ऑन फ्लोर जाएगा। कहाँ का शूटिंग होने वाली है? अभी शूटिंग के लोकेशंस डिसाइड किए नहीं है। ये नेक्स्ट मंथ में अपना शूटिंग का पूरा लोकेशन स्काउट हो जाएगा। एक्ट्रेस की तो बात हो गई कि आपने कहा कि वहाँ चुनेंगे और मैम है, एक्टर कौन कौन? नहीं, ये अभी सरप्राइज सस्पेंस रखा हुआ है। अरे ये जो अवार्ड होने वाला है इसमें कुछ पता नहीं कौन कौन आने वाले, कोई गेस्ट लिस्ट फाइनल हो चुकी है आज अनाउंसमेंट किया आपने? नहीं, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं लेकिन अभी गेस्ट लिस्ट हम लोग अभी आउट नहीं करें। ये आपको नेक्स्ट हमारा जब मीडिया का कॉन्फ्रेंस होगा उसमें हम लोग आउट करेंगे। आज भी कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं सर, देख रहा हूँ मैं, सब हवा है, अर्चना मैम है, किरण जी है, कुछ कहेंगे सर आपकी? ये भी बहुत सारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं और अच्छे काम करने वाले लोग हैं। ये हमारे सपोर्ट करने आए हैं, हमारा जो अवार्ड फंक्शन और मूवी लॉन्च का सपोर्ट करने आए हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मदर टेरेसा के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया में फेमस है मदर टेरेसा और ये अवार्ड सबसे हटकर है। इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो अपनी है मानवता सेवा के लिए दी हुई है
और गरीबों के लिए बहुत दयालु औरतें थी और इन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं मदर टेरेसा को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मदर टेरेसा का जो अवार्ड आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एडवर्ड जी जो कर रहे हैं उनको क्या शुभकामनाएं देंगे आप, जो ये मदर है उनको क्या शुभकामनाएं देंगे आप? उन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाहूँगी कि वो अपनी पिक्चर दी बॉन्ड का लॉन्च कर रहे हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आपका फाउंडेशन भी है, बताइए आपके फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ, मेरा फाउंडेशन का नाम है लाइफ हैंड फाउंडेशन, और इसमें हम पिछले जब से कोरोना शुरू हुआ है पिछले 1.5-2 साल से हम जुड़े हुए हैं, और हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी हुई हैं इसमें, बच्चों के लिए बुक्स करी हैं, और जो ट्रांसजेंडर उनको राशन दिया है, मीडिया वालों को राशन दिया है, दवाइयाँ दी हैं, बुक्स दी हैं, छतरी दी हैं, तो आगे भी ये काम जारी रहेगा। सोशल वर्क के साथ तो मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी मदर टेरेसा अवार्ड के लिए, जो वाकई में मानव सेवा में हैं उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का काम वो करते हैं, तो क्या होता है उनको एक खुशी भी मिलती है कि उनका काम के लिए उनको वेलकम किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड और रिवॉर्ड तो हमारे भगवान अल्लाह ऊपर वाला देता है, पर अगर इंसान को अवार्ड मिलता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया। तो फिल्में लॉन्च भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिल्में जो लॉन्च हो रही हैं मैं उनको आई वुड वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, और जो भी यू नो आगे उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मैं ब्लेसिंग्स देने आई हूँ। शुक्रिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड गुड इवनिंग। सो जिस अवार्ड में मदर टेरेसा का नाम है तो वो अवार्ड ऑफकोर्स स्पेशल होना ही है, बिकॉज उन्होंने इतना सब किया, तो हमारे बारी की उनके लिए कुछ उनको फेलिसिट कर रहे हम, और उनको भी जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। ऑफकोर्स मैं उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ।